हर बार की भांति इस बार भी अभी 5 तारीख को स्पीकर साहिबान ने जो हमारा तपोवन में विधानसभा परिसर है वहाँ पर मीटिंग की थी। उस मीटिंग में माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय भी थे और वहाँ पर ये आदेश हुए थे कि जो हमारा जोरावर स्टेडियम है वहाँ तक तो लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं या बसेस से आते हैं, उसके बाद जो हमारा विधानसभा परिसर है वो काफ़ी दूर है, तो लोगों की सुविधा के लिए जो HRTC है विधानसभा परिसर तक तपोवन जो हमारा जोरावर स्टेडियम है वहाँ से विधानसभा परिसर तक जो है बसेस की अवेलेबिलिटी करवाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वैन्स हैं वो जो है वो क्योंकि वो वैन जो है काफ़ी अंदर तक जो गेट तक आ जाती है, एनी अगर लगेगा कि ज़्यादा लोग हैं या क्षमता ज़्यादा है जोरावर स्टेडियम से परिसर तक जाने वाले लोग ज़्यादा है तो वहाँ पर हम जो 30-सीटर इलेक्ट्रिक बस है वो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो एनी या कोशिश करेंगे एक का हमारे पास इलेक्ट्रिक वैन और एक इलेक्ट्रिक जो बस है हम प्रोवाइड करेंगे और ये निःशुल्क सेवा होगी। इसका जो बिल है माननीय जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आ जाता है परंतु लोगों के लिए एक निःशुल्क बस सेवा होगी और वहाँ जो लोग जो बाहर से आते हैं या कोई बुजुर्ग हैं महिलाएं हैं जो कि आ जाते हैं वहाँ तक जोरावर स्टेडियम तक, उसके बाद विधानसभा परिसर तक उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी और कंटिन्यूसली विधानसभा के टाइम जो है जितने दिन विधानसभा चलेगी हम जोरावर स्टेडियम से परिसर तक जो है बस फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे।